खबर जबलपुर से है, जहां रांझी थाने में मां अपने सौतेले बेटे की शिकायत लेकर पहुंची थी। बेटे ने गृहस्थी का सामान तो तोड़ा ही, जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता के मुताबिक बेटे की शिकायत टीआई रांझी सहदेव साहू से की तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। बोले, तू बहुत होशियार है, बदमाश है, मिलकर जाना मुझसे, खाना खाना भी छोड़ दूं, फेंक दूं क्या? इस व्यवहार ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। वह थाने से घर लौट आई। घर पहुंचकर डायल 100 और 181 नंबर में शिकायत दर्ज कराई। रात 1 बजे मुझे कंट्रोल रूम में बुलाया गया, जहां पुलिस ने सौतेले बेटे के साथ बैठकर समझौता कराने की सलाह दी। यहां से मैं और बेटा फिर घर लौट आए। घर पहुंचने पर गुस्से में बेटे ने सामान फेंकना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ भी की। मैंने डायल 100 को बुलवाया। पुलिस मौके पर आ तो गई, लेकिन यह कहते हुए लौट गई कि ये शराब पिए हुए हैं, इनको हम नहीं ले जा सकते हैं, जब खून निकलेगा तब लेके जाएंगे। पुलिस चली गई। फिर बेटा कहर बनकर मुझ पर टूटा। उसने इतना पीटा कि हाथ टूट गया। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़िता हल्की भाई चौधरी के सौतेले बेटे किशोर कुमार उर्फ राणा ने अपने बेटे के साथ मिलकर 12 अगस्त को घर का दरवाजा तोड़कर सामान फेंक दिया था। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता अपने बेटे के साथ जेपी मेमोरियल स्कूल रांझी में रहती है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने वह रांझी थाने पहुंची थी, जहां टीआई रांझी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। बाद में पुलिस ने केस तो दर्ज किया, लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। मंगलवार को पीड़िता शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। उनका ये कहना है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, जान प्यारी है तो पूरा घर छोड़ के चले जाओ। यही बोलते हैं कि तू बहुत होशियार है, तू मिलके जाना मेरे से।